हेलो एवरीवन, मैं अवनीश गुप्ता स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर पर। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था परसेंटेज पार्ट 1, जो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। आज मैं परसेंटेज पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें कुछ स्पेशल केसेस और कुछ अच्छी सी ट्रिक्स लेके आया हूँ, और साथ में आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ जो आपको होमवर्क के तौर पे घर पे सॉल्व करने हैं, और सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में लिखकर देने हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी ट्रिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन ज़रूर लाऊंगा। पहला केस है, यदि किसी राशि में 2 बार लगातार परिवर्तन होता है। 2 बार लगातार परिवर्तन का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 बार बढ़ रही हो परसेंटेज में। जैसे पैसा भी बढ़ सकता है, आज 10 रुपये बढ़ा, कल 20 रुपये बढ़ा, ये मैंने रुपए में बता दिया। परसेंटेज में 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, या और भी बढ़ता गया आगे। तो 10% बढ़ना, 20% बढ़ना का मतलब क्या है, वो किस पे बढ़ रहा है? आप जरा सोचिए, पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 10% बढ़ी तो वो 110 की हो गई, फिर 20% बढ़ी तो वो 130 की हो जाएगी या और बढ़ जाएगी। कुछ लोग जो है सोचेंगे, पहले 10% बढ़ी थी, फिर 20% बढ़ी, 20 रुपये बढ़ी, पहले 10 रुपये बढ़ी, टोटल 30 रुपये बढ़ी, तो 130 हो गया। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव हो रहा है, यहाँ पे आपका जो मूल धन है, जो मूल है, वो चेंज हो रहा है हर परसेंटेज वृद्धि के बाद। परसेंटेज का ये एक बहुत ही अच्छा उपयोग है यहाँ पे, जिससे आप कुछ भी कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक आबादी का क्वेश्चन आ सकता है कि इस शहर की आबादी 1 साल में इतनी बढ़ी, 2 साल में इतनी बढ़ी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, बेसिक मेथड तो बहुत लंबा है, तो ट्रिक से आप समझिएगा, ट्रिक भी बहुत ही हार्ड नहीं है, सबको समझ में आ जाएगी। देखते हैं, यदि R1% और R2% की वृद्धि या कमी हो रही हो, मतलब वृद्धि या कमी का मतलब है कि R1 और R2 दोनों बढ़ सकते हैं, मतलब दोनों परसेंटेज हमारे बढ़ सकते हैं, हो सकता कम हो जाए। जैसे आबादी पहले 1 साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 5% कम हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। तो वृद्धि के लिए हम पॉजिटिव लेंगे और कमी के लिए हम निगेटिव निशान लेंगे। बस फॉर्मूला एक ही है, R1 + R2 + R1 R2/100। इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे इसको, मैं आपके एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा आपको। नोट नोट में क्या लिखा हुआ है, वृद्धि के लिए पॉजिटिव लेना है आपको, कमी के लिए निगेटिव लेना हुआ है। एग्जाम्पल, मूल्य में क्रमशः 2 वर्षों में 12% और 15% की वृद्धि, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अच्छा, 2 बार वृद्धि हो रही है तो आपको पता है कि वृद्धि ही होनी है। कितने परसेंट की वृद्धि होनी है, किसी का भी मूल्य हो सकता है, कपड़े खरीदने जा रहे हैं उसका मूल्य हो सकता है, गेहूँ खरीदने जा रहे हैं उसका मूल्य हो सकता है। तो कितनी वृद्धि निकलेगी, 12 + 15 + 12 × 15/100 सॉल्व करेंगे, 28.80% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आबादी, पहले आबादी कहीं की कितनी थी, 12% कम थी, फिर 20% वृद्धि हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है, पहले कम हो रही है फिर बढ़, पहले आबादी 10-12% कम हो रही है, फिर आबादी 20% में की वृद्धि हो रही है। तो क्वेश्चन में आप जहाँ पे कमी हो रही है वहाँ पे माइनस लेंगे, और जहाँ पे वृद्धि हो रही है वहाँ पे प्लस लेंगे। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आया 5.6% वृद्धि। इसको सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दोबारा समझा दूंगा। नोट, एक नोट आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, खर्च, किसी के खर्चे पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसने पहले साल इतना खर्च किया, दूसरे साल इतना खर्च किया, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। बिक्री से प्राप्त आय पर, जो हम बेच रहे हैं उससे आय प्राप्त हो रही है, उस पर भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन पे बन सकता है क्वेश्चन, मतलब जो क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना था, फिर इतना बढ़ गया इतने परसेंट, फिर अगले बार इतना बढ़ गया, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे छोड़ रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, फिर कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कितना परसेंट इसका आंसर आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या है इसका बताइएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि की जाती है,
उसका जो आधार है त्रिभुज का, उसके आधार में 12% की वृद्धि करी जा रही है और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी करी जा रही है। तो बताना है कि क्षेत्रफल में कमी होगी या वृद्धि होगी, कितनी होगी ये बताना है आपको, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट केस पे आते हैं, ये दूसरा केस है, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा दूसरा केस है, क्योंकि यहाँ पे जो जो कुछ होगा वो सेम होगा। यहाँ पे त्रिभुज, पिछले क्वेश्चन में जो त्रिभुज लिया गया था वो कोई भी त्रिभुज हो सकता है, इस क्वेश्चन में त्रिभुज जो लिया लिया जाएगा वो समबाहु त्रिभुज ही होगा। देखिए पढ़ते हैं, किसी आकृति के भुजा, मैंने इसको लिखा हुआ है किसी आकृति के भुजा, मतलब कोई भी हो सकती है आकृति, कुछ भी हो सकता है, गोला, चौकोर, शंकु, बेलन, कुछ भी हो सकता है। उसकी त्रिज्या, ऐसे आकृति जिसे गोला है, गोला की त्रिज्या बराबर रहेगी हर तरफ से, 3D, गोला 3D होता है, वृत्त 2D होता है, आप लोगों को 2D और 3D पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो कमेंट बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसको भी बता दूंगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक भुजा में आप उसमें X% की कमी या वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, मतलब क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। बात समझ आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, कि किसी भी आकृति की भुजा या त्रिज्या या व्यास में X% की कमी कर दी जाए या वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो उसका फॉर्मूला है 2X+ या -, प्लस लेंगे वृद्धि के लिए, माइनस लेंगे कमी के लिए, ठीक है, X² / 100। इसको इम्प्लीमेंट कर कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब समबाहु त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि कर देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। समबाहु त्रिभुज है, सारी साइडें उसकी बराबर है, उस प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। तो फॉर्मूले में रखते हैं, 2 × 4 + 4² / 100, सॉल्व कर लेंगे, 8.16% आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास में 1% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। अब इसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्या होता है, πr², जिसमें आर आता है, व्यास तो आता नहीं है, इसमें दिया गया है व्यास में कमी, तो व्यास में जितनी कमी होगी उतनी ही तो कमी त्रिज्या में होगी, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो जितना व्यास में कम कर रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से उतना ही त्रिज्या में कम होगा, समझ रहे हैं, तो इसके लिए भी उतना ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि कमी हो रही है, तो 2 × 1 − 1² / 100, सॉल्व कर लेंगे, 1.99% की कमी होगी क्षेत्रफल में। पहला क्वेश्चन दिया था मैंने अभी पीछे आपको, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, किसी अर्धगोला के व्यास में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, अर्धगोला है उसके व्यास में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, आंसर मुझे कमेंट बताइएगा। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को सोचते हैं कि अर्धगोले का क्षेत्रफल का मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तो आप खुद देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी फॉर्मूले का यूज हुआ ही नहीं है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले का यूज हुआ ही नहीं है, जो क्षेत्रमिति आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, न बेलन का न शंकु का। मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए हुए हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो नहीं फिलहाल, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ज़्यादा नहीं है, केवल 5 क्वेश्चन है, 2 पहले के 5, ये टोटल क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये क्वेश्चन मैंने जब RRB JEE का एग्जाम दिया था तब ये पूछा गया था मुझसे, तो मैंने इसको जो है, मुझे याद है क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मुझे याद है, तो मैंने इसको अभी इसमें लिख दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिर ये आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन, फिर ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, और ये 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, थ्योरी ज़्यादा है इसमें लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है।